यदि आप लोगों को समझ में आता है, ठीक, देखिए बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, ठीक, अभी उसमें बंदी है, बारिश हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, अभी तो 2020 तो बुरा खतरा में चल रहा है, ठीक, तो हम बहुत मेहनत से समझ में आता है आपको, तो क्या कीजिए, थोड़ा लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है, मज़ा आता है कि नहीं, हौसला बनता है कि नहीं बनाना चाहिए वीडियो बच्चा के लिए, ठीक। और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, तो आपको वीडियो जाएगा डायरेक्ट जल जाएगा, जैसे वीडियो डालेंगे तुरंत आपके मोबाइल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक। और कमेंट भी जरूर किया कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं बांध देता है या बांझपन बोलते हैं, ठीक है। बांझपन आपको, आप लोगों को पता होगा, हर गांव हर शहर में होता है, इसका लक्षण देखने को मिलता है आदमी को। देखिए बांझपन बोलते हैं या बाध्यता बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ये होता क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कितना बार पूछा गया है ये पूरा, बांझपन क्या होता है, टेस्टी बेबी क्या होता है, ये पूरा पूछा गया है। देखिए होता क्या है बांझपन, रियल में जब कोई कपल जो है, कोई जोड़ी जो है, पहले समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद ये लिखा हुआ है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं आप, कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए जब कोई जोड़ी, या जोड़ी मतलब होता है कपल, कपल मतलब होता है मतलब लड़का लड़की, अभी माता पिता नहीं बोल सकते क्योंकि माता पिता किसको बोलते हैं जो बांझपन नहीं होता है, आए समझ में, इसलिए माता पिता नहीं बोल सकते हैं, इसको कपल बोल सकते हैं। जोड़ी कितना भी प्रयास कर रहा है, कोई भी कारण हो, लेकिन पता नहीं है इन दोनों को, कितना प्रयास कर रहा है, ये खा रहा है वो खा रहा है, लेकिन फिर भी क्या होता है, कोई मतलब बच्चा पैदा होने का चांस ही नहीं होता है, तो लगता है उसको कि हम बांझपन है, ऐसा इनफर्टिलिटी लगता है। तो परिभाषा लिखा हुआ है, कपल या कोई कपल को कितना भी प्रयास करने के बावजूद भी यदि बच्चा पैदा नहीं कर पाता है, उसे क्या कहते हैं, बांझपन या बाध्यता कहते हैं। देखिए तो इसका कारण जो है ना बहुत सारा हो सकता है, अभी कारण अभी बताएंगे कि बांझपन होने के बहुत सारे कारण होते हैं, कारण एक नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद देखिए पहले बांझपन क्या होता है, सॉरी बांझपन कारण क्या क्या होता है। देखिए होता क्या है, ये क्या है, इधर भी होगा जिस तरह का, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल आरएस, फीमेल हमारा जनन तंत्र है ये, क्योंकि होता क्या है कभी कभी फीमेल में गर्भाशय जो है ना खराब हो जाता है, गर्भाशय कोई भी कारण से खराब हो सकता है, गर्भाशय में भी देखिए, या कभी कभी होता क्या है अंडाशय, ये क्या है अंडाशय, ये क्या है अंडाशय है, तो अंडाशय कभी कभी क्या होता है, अंडा तो मैच्योर होता है, परिपक्व तो होता है, जवान तो होता है, लेकिन अंडाशय जो है अंडा नहीं फेंक पाता है, अंडाशय अंडा रिलीज नहीं कर पाता है, तो बताइए जब अंडाशय रिलीज ही नहीं कर रहा है अंडा को, तो कैसे फिमरी काम करे, कैसे फिलिपिन टू अंडा जाएगा, जब अंडा ही नहीं जाएगा तब गर्भाशय कैसे तैयार होगा। तो होता क्या है कभी कभी कोई भी कारण हो सकता है, यदि फीमेल कोई ज़्यादा धूप में काम कर रहा हो सकता है कोई कैंसर टाइप से कोई बीमारी उत्पन्न हो रहा होगा, हो सकता है कम खाना खाने कारण, बहुत आजकल देखिए खाना बहुत कम ही हो रहा है आजकल, रोटी साग सब्जी खाता है, इसमें क्या होता है, इसमें तो नॉर्मल होता है भाई, उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है बॉडी को कि इसको चाहिए जितना एनर्जी उतना नहीं मिल पाता है, इसे क्या होता है अंडा रिलीज नहीं कर पाता है, ये भी कारण हो सकता है, ठीक। तो पहला कारण ये हुआ, दूसरा कारण ये हुआ, तीसरा कारण हो सकता है, देखिए अंडाशय तो अंडा रिलीज कर रहा होगा मे बी, लेकिन फिमरी जो है आपका ये फिमरी कलेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, हो सकता है इसमें भी कोई बीमारी उत्पन्न हो गया हो सकता है, तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण हो सकता है क्या, हो सकता है फिमरी कलेक्ट कर रहा हो अंडा को, हो सकता है क्या, अंडाशय अंडा रिलीज कर रहा भी होगा और फिमरी भी कलेक्ट कर रहा होगा, लेकिन फिलोपियन ट्यूब जो है उसमें सिलिया लगा होता है, पता होना चाहिए आपको, हो सकता है सिलिया मर गया हो, डेड कर गया हो सकता है। चौथा कारण हो गया, फर्स्ट कारण था गर्भाशय किसी कारणवश खराब हो जाए, दूसरा कारण था अंडाशय खराब हो जाए, तीसरा कारण था फिमरी खराब हो गया हो, चौथा कारण है सिलिया, पांचवा कारण क्या है, ये क्या है फिलोपियन ट्यूब, हो सकता है फिलोपियन ट्यूब चिपक गया हो, फिलोपियन नलिका जो हो चिपक गया हो सकता है, तो बताओ चिपक जाएगा तो क्या होगा, ये चिपक जाएगा पूरा तरह से,
मान लो हवा भरा हुआ, हवा में से अति ट्यूब में से हवा निकाल दो तो क्या होगा, ट्यूब चिपक जाएगा। हो सकता है इसे ट्यूब की तरह ही तो होता है, जब चिपक जाएगा दोनों तरह, बताओ क्या होगा। अंडा से तो अंडा रिलीज करेगा, मैं भी कर रहा होगा, फेफड़ी भी काम करेगा, फेलेपेन ट्यूब ही चिपक गया होगा तो कैसे अंडा जाएगा हवा से तक। ये इतना कारण होता है बांझपन का, बांझपन का। और एक कारण मेल में, मेल ये तो फीमेल का था, फीमेल मेल का हो सकता है स्पर्म काउंट, स्पर्म जो निकलता है हो सकता है लाखों में हो, तो लाखों में होता है तो उसका हो सकता है मरा हुआ स्पर्म निकलता हो। लेकिन स्पर्म कितना करोड़ों मिलियन बिलियन में निकलता है स्पर्म, तो एक एक दो थोड़ी होता है कि चलो भाई एगो एगो है नहीं मिला तो चलो को दूसरा बार आएगा, नहीं। स्पर्म तो बहुत सारा होता है, लाख करोड़ मिलियन बिलियन में होता है, गिनती नहीं कर पाएंगे आप, उतना स्पर्म होता है। लेकिन स्पर्म होता का कोई भी कारण से ख़राब हो जाता है। आजकल देखो इन्वायरमेंट बहुत ख़राब है, ठीक, इसे सुरक्षित आसपास में रहना चाहिए, सुरक्षित आसपास वातावरण सुरक्षित रखो, ठीक। खाना पीना में कमी कारण हो सकता है स्पर्म क्या हो, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। हो सकता है आप ज़्यादा टैबलेट खा रहे हैं, बार बार कोई बीमारी होते जा रहा है, आप बार बार टैबलेट खाते रहे हैं, बार बार टैबलेट खा रहे हैं, तो इसके कारण भी होता है कि स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो आप जाइए स्पर्म काउंट के लिए, हो सकता है आप डॉक्टर को दवा देगा, यदि स्पर्म काउंट बढ़ा तो ठीक है, और नहीं तो क्या करेगा, नहीं ये इसको भी दवा देगा तो ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में जो है ये विधि अपनाएगा। आसमंद में कितना कारण होता है बांझपन का। लेकिन होता क्या है, देखिए फीमेल को ही आजकल महिला को ही दोष दिया जाता है गांव में कि भाई नहीं ये लड़की ख़राब है, ये खराब है, मतलब पूरा दोष उसी को पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हो सकता है आप डॉक्टर से जाके जांच करवाइए कि इसमें गड़बड़ी है, तब आप साबित कर सकते हैं वो खराब है वो खराब है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए इसको छोड़िए, ये समझ में आया ना, बांझपन का बहुत कारण होता है भाई, एक कारण नहीं होता है कि बस चलो छुपा ले कोई भी कारण, ये सब कुछ हो रहा है डॉक्टर से जाके मिलो, ये नहीं कि मतलब छुपा रहे हैं, गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ नहीं है, बच्चा पैदा करना आसान बात नहीं है आजकल, ठीक है। पहला है देखिए इसमें क्या है, जब बांझपन होगा तब, जब किसी फीमेल में, क्योंकि भाई किसी को शौक थोड़ी लगा होगा कि हम टेस्टिव बेबी ही अपनाएंगे, कि हम परखनली से बच्चा पैदा करेंगे, शीशा में इस तरह का सुने होंगे। देखिए आजकल बच्चे पैदा करने का बहुत विधि है, निम्नलिखित उपाय है, हम बहुत उपाय लिख दिए हैं। पहला है गिफ्ट, दूसरा है गिफ्ट, देखिए जेड है ये, जेड आई एफ टी, इसका होता है फुल फॉर्म जैगोट, जैगोट मैंने युगमनज होता है, जो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब मिलता है ना तो उसको बोलते हैं जैगोट, ठीक। तो जैगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब क्या, जैगोट जो है किसमें, फेलोपियन के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, इंट्रा मैंने अंदर, ठीक। तो ये देखिए ये बनाते हैं फीमेल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना रहे हैं, ये मान लीजिए फीमेल सिस्टम है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए सब खराब है तो जैगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर कब करेंगे, जैगोट मतलब समझ लीजिए जैगोट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या खराब होगा फीमेल में, बताइए। जैगोट बनता कहाँ है, इधर एम्पुला के आसपास कहीं पे बनता है ना, इधर एम्पुला के आसपास, इस्थिमस इनफंडिबुलम, ठीक। तो ये एम्पुला है, तो एम्पुला के आसपास कहीं क्या जायगोट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बताइए क्या है इसका मतलब, इसका मतलब अंडाशय से अंडा रिलीज नहीं हुआ होगा, नहीं हो रहा होगा, ठीक, आया समझ में। मतलब क्या, अंडाशय अंडा ही नहीं रिलीज कर रहा होगा, अंडा ही नहीं देता होगा, परिपक्व तो होता होगा लेकिन अंडाशय अंडा रिलीज ही नहीं हो रहा होगा, इसलिए क्या करते हैं जैगोट क्या होता है, देखिए जैगोट कैसे बनाते हैं, जैगोट बनाते हैं कहीं यहाँ पे, ये क्या है परखनली है, जिसको टेस्ट ट्यूब या बोलते हैं हिंदी में परख नली, क्या बोलते हैं परख नली, देखिए परख नली इसी समझ लीजिए एक शीशा टाइप का है इस तरह का, ठीक। इसमें क्या मिलाते हैं, गेमिट मिला देते हैं, गेमिट बोले तो स्पर्म और ओवम दोनों क्या करते हैं, स्पर्म को लेते हैं और ओवम को इसमें डाल दिए, जब डालेंगे तो क्या होगा, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन गया, अब जैगोट बन गया यहीं पे, तो जैगोट क्या करते हैं, जैगोट डाल देते हैं यहाँ से लेके यहाँ, आया समझ, जैगोट लेके यहाँ से इसमें डाल दिए,
ठीक, इसलिए क्या कहलाता है, पहला विधि क्या है, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो जायगोट को कहाँ कर दिए, किसमें स्थानांतरित कर दिए, इंट्रा माने अंदर, तो फेलोपियन के अंदर, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जायगोट में, जायगोट क्या कर दिए, फेलोपियन के अंदर ट्रांसफर कर दिया, कहलाया जिप्ट कहलाया। ठीक, दूसरा कौन है, गिफ्ट, जी आई एफ टी, गिफ्ट, गिफ्ट मना होता है, इसका फुल फॉर्म देखिए, गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो गेमिट को कहाँ किया ट्रांसफर, गेमिट को कहाँ किया ट्रांसफर, गेमिट को ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो देखिए ये क्या है, अब देखिए जब गेमिट को, अब कहाँ कर रहे हैं, गेमिट को यहीं पे कर रहे हैं, तो समझिए क्या खराब होगा, गेमिट को कर रहे हैं ट्रांसफर, समझिए क्या खराब हुआ होगा, मतलब गर्भाशय ठीक है तो स्पर्म भी जाएगा इधर, जाएगा कि नहीं बताइए, हैं, तो स्पर्म को अंदर रख दीजिए, ठीक, स्पर्म को अंदर रख दिए गर्भाशय में, और इसको रिलीज कर दिया अंडाशय से, अंडा को यहाँ रिलीज कर दिए, अपने मिलेगा ये, अपने आप मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि गेमिट बोल रहा है, तो गेमिट, गेमिट मतलब क्या, स्पर्म या तो ओवम अंडा, तो दोनों को जहाँ जहाँ जिसका स्थान है वहाँ पर रख देंगे, अपना जायगोट बन जाएगा। ठीक, इसलिए बोलते हैं गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक, इंट्रा फेलोपियन मैंने फेलोपियन के, फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या कर रहे हैं, अंडा को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक, तो इस विधि को ही क्या बोलते हैं, इस विधि को ही समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी बोल रहे हैं, इस विधि को क्या बोल रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, या ये तो समझ लीजिए, आपको समझा दिया कैसे, देखिए अभी बताया तुरंत कि प्रखनली शिशु सुने होंगे कभी कभी कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी, शीशा में बच्चा पैदा हुआ है, हाँ सुने होंगे इस तरह से, लेकिन इस तरह से कार्य नहीं, जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं कि शीशा में ही बच्चा पैदा हुआ है, नहीं, गलत बोल रहा है। तो होता क्या है, शीशा में बच्चा पैदा होने का मतलब, स्पर्म लेते हैं, शुक्राणु लेते हैं और अंडा लेते हैं, ठीक, इसको बोलते हैं एग, दोनों का क्या करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, प्रखनली है। ठीक, तो स्पर्म लिए और मान लीजिए अंडा लिए हैं, दोनों क्या किए, प्रखनली से प्रखनली में क्या किए, मिला दिए, जब मिलेगा तो क्या होगा, अब तो मिल गया यहाँ पे, ठीक, अब मिल गया तो थोड़ी है कि इसी में मिल गई, ये बच्चा पैदा इसी में होगा, नहीं, अब कहाँ करेंगे, गर्भाशय में ट्रांसफ़र करेंगे, गर्भाशय यहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक, प्रखनली मिला है, जायगोट बन गया, जायगोट बन गया तो निश्चिंत हो गया होगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या कहलाएगा, इसी को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अरे समझ में आया, सुनिए अच्छा से, स्पर्म लिए, ओबम लिए, मेल और फीमेल से, ठीक, वो दाता हुआ ना भाई, देने वाला, दोनों दाता हुआ, अब दोनों दाता हुआ क्या कि ये दोनों स्पर्म अंडा को प्रखनली में शीशा में मिला ली, जो कि मतलब दिखे कि हम मिल रहा है, क्या हुआ, दोनों को मिला के शीशा में प्रखनली में, क्या करेंगे, उसके बाद उसको लेके और गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या कहलाएगा, प्रखनली शिशु कहलाएगा। देखिए लिखा, स्पर्म और अंडा एक को भी किसी प्रखनली में निश्चित करवाने के बाद गर्भाशय में स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाता है। बस इतना ही है, अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया, क्योंकि आप लोग एक बात फिर से बोलना है, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग, कम से कम लाइक तो कर सकते हैं यार इस वीडियो को, लाइक, लाइक करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, लाइक कर दीजिए, हमको हौसला बनता है कि हम वीडियो बनाएंगे, अच्छा लगता है कि भाई बच्चा सब समझ में आता है, समझ में आया, लाइक कीजिए थोड़ा, ठीक, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि आपको वीडियो यदि चाहिए तो आपको चैनल पे क्या, आपको सब्सक्राइब जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको वीडियो नहीं आ पाएगा, अपलोड करेंगे तो दूसरे के पास चला जाएगा लेकिन आपके पास नहीं आएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए, शेयर नहीं कीजिएगा, देखिए आपको आता है, आपके दोस्त को नहीं आता है उसको भी सिखाइए ना कम से कम, थोड़ी ज्ञान बांटने से थोड़ी घटता है यार, शेयर तो कर सकते हैं आपका तो